हेलो गाइज, कैसे उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते। आज मैं करेले का ऐसा टेस्टी यम्मी रेसिपी लेकर के आई हूँ जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। ना इसे आपको ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं लगेगी और ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनेगा। कई दिनों तक आप इसे रख भी सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने आधे के जी करेले लिए हैं जिसे मैंने यहाँ पर उबा इसे अच्छे से धुल करके कट कर लिया है। बिल्कुल ही पानी न रहने दें। इधर आप देख सकते हैं मैंने 2 से 3 चम्मच के लगभग तेल लिया है। इसमें पूरा अच्छे से तेल डाले और गर्म पूरा तेल हो जाए तभी इसे करेले को इसमें पहले मिर्च कट करके 2-3 डाल दें। उसके बाद में मिर्च जब अच्छे से पक जाए तो आप इसमें करेला डाल करके अच्छे से इसे भूने, बराबर से इसे तेज फ्लेम पर भूनते रहे जिससे ये और भी टेस्टी और यम्मी और कुरकुरे बने। यहाँ मैंने खटाई लिए है, करेले में खटाई डालने पर और भी टेस्टी और यम्मी बनता है। तो चलिए हम लोग आम को, कच्चे कैरी को मैंने छील लिया है और इसे ग्रेटर की सहायता से इस तरह से ग्रेट कर ले जिस तरह से मैंने यहाँ ग्रेट किया है। यहाँ आप देख सकते हैं करेले का मैंने मसाला बनाया है जो आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी में मैं इसकी रेसिपी दे दूँगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच के लगभग यहाँ पर मैंने इसे करेले का मसाला यहाँ पर यूज किया है। इधर देख सकते हैं आप, बीच बीच में इसे चलाते रहें जिससे ये अच्छे से पके और बिल्कुल ढके नहीं, नहीं तो इसमें पानी छूट जाएगा जो ये लास्टिंग ज़्यादा दिन नहीं कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे बराबर से चलाते रहना है जिससे चारों तरफ से अच्छे से ब्राउन होए और अच्छे से ये करारे होए। तो चलिए इधर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे करेले का मसाला लिया है 1 चम्मच के लोग मैंने मिर्च पाउडर लिया है। स्वादानुसार आप नमक ले लें, हल्दी पाउडर ले लें और सब इन्ग्रीडियंट्स को जब यह हल्का सा पक जाए करेले तो आप इसमें ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये सारे सामग्री ले चुकी हूँ और आप ग्रेट हुए आप खटाई को भी देख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से आप भी ग्रेट कर ले और हल्का सा पक जाए पूरा, लगभग 1-2% के लगभग ये करेले पक जाए तभी आप इसमें खटाई डालें और इसे बराबर से चलाते रहें। आप देख सकते हैं कितने गोल्डन हो चुके हैं। इसी तरह से पूरे करेले को आप अच्छे से बिल्कुल भी इसमें पानी न रखें और इसे आप सप्ताहों तक आप इसे यूज कर सकते हैं। ना आपको फ्रिज की ज़रूरत पड़ेगी ना और कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत ही जल्दी ये रेसिपी तैयार भी हो जाती है। आप इसे कई दिनों तक रख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। अब इसमें पूरे मसाले डालें और अच्छे से इसे मिक्स करें, नमक लास्ट में डालें जिससे यह इसमें पानी ना छूटेगा और ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनेगा। इस तरह से कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बच्चे भी इसे मांग मांग करके खाएंगे। इस तरह से आप लोग भी ज़रूर एक बार इसे बनाने की प्रैक्टिस करें और ज़रूर अच्छा बनेगा, मुझे उम्मीद है। तो चलिए इस तरह से आप भी अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर खटाई भी इसमें ऐड कर लिया है। आप इसे पहले भी डाल सकते हैं क्योंकि मैंने मसाले भूनने के लिए थोड़े से बाद में मैंने इसे ऐड किया है। इस तरह से आप भी सबको डाल करके अच्छे से मिलाए और बराबर से चलाते हुए इसे पकाए। आप देख सकते हैं पूरे मसाले अच्छे से इसमें कोट हो चुके हैं। मैंने इसमें एक बूंद भी पानी नहीं डाला है और इसे आप कई सप्ताह तक खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और ना आपको फ्रिज की इसे ज़रूरत पड़ेगी। इंजॉय कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।